हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे दोस्तों। मेरा नाम है फावद, मैं आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं जो आपके लिए ट्रेलर लेकर आया हूँ वो है बॉलीवुड की नई आने वाली मूवी बधाई हो। फैमिली कॉमेडी है, रोमांटिक कॉमेडी है। इट्स अ टेल बिटवीन फैमिली लव एंड रिलेशनशिप्स एंड सम कॉमिकल सिचुएशंस एंड एवरीथिंग। इसका जो मेन स्टार कास्ट है वो है आयुष्मान खुराना एंड सानिया मल्होत्रा। तो आइए ट्रेलर देखते हैं, फिर उसके बारे में अपना रिएक्शन भी दूंगा और रिव्यू भी करेंगे। मम्मी ठीक है? हाँ, मैं इसलिए तो बुलाई तुम लोग को यहाँ पे। तो डॉक्टर ने कही कि मेहमान आने वाला घर में। मेहमान? मैं अपनी जगह किसी को देने का पापा बता दिया मैंने आपको। छोटा मेहमान। मम्मी प्रेग्नेंट है मेरी। मम्मी मतलब तेरी मम्मी? नहीं तो क्या, तेरी मम्मी? She's what? कैसे? I think जैसे होता है वैसे। अब क्या होगा रे प्यारे, खुशियाँ ही जब तिक मारे, जाए कहाँ मुँह लेकर जी। हो गया? है? अरे फिर से हो गया? जयरन। कौशिक साहब, शक्ल से तो बड़े शरीफ लगते हैं। सबसे पहले तो नू जानना है मुझे, टाइम कब मिल गया तुझे? अब सब समझ आ रही, क्यों बहू का बदन टूटा करे है रोज सुबह। मारी थी मिस कॉल ही लेकिन हो गया। गुस्सा थूक दे, तेरे चेहरे पे ना बिल्कुल ना सुहाता ये। एक तो तुम ऐसी बातें करो मती, इन्हीं सब बातों का नतीजा है यो। क्या हुआ? तू ही बता यार, ये भी कोई मम्मी पापा के करने की चीज है क्या? What do you find it embarrassing कि तेरे मॉम डैड सेक्स करते हैं? तेरी मम्मी प्रेग्नेंट होती ना, फिर देखता मैं। मेरी मम्मी प्रेग्नेंट होती तो और भी बड़ी प्रॉब्लम होती यार। देखा? पापा नहीं है ना मेरे। I'm not saying that Nakul's a bad guy. अच्छा लड़का है वो। You know his family is a circus. I don't want to buy tickets to. चिटकनी ना लगेगी अब से। जलन हो रही है बड़े भैया। आपका भी बेबी गुड, वेरी गुड, करेक्ट एज है आपका। नकुल चल बेटा। हाँ मम्मी। इट्स अमेजिंग ट्रेलर। आई थिंक मैं पूरे ट्रेलर में हंसता ही रहा हूँ। कॉमेडी ऑफ एरर्स आपको बोल सकते हैं इसको, लेकिन जो सिचुएशनल कॉमेडी इन्होंने डाली द फैमिली में, कि अंशुमन खुराना की जो मम्मी वो प्रेग्नेंट है, हालांकि वो खुद शादी करना चाह रहा है, उसकी उम्र हो गई। और जब उसको ये खबर मिलती है तो एम्बेरसमेंट फील करता है और वो अपने आप जो फीलिंग है उसको इजहार नहीं कर सकता, लेकिन अपनी एक डिप्रेशन और जो फ्रस्ट्रेशन है उस सिचुएशन के थ्रू आई थिंक यू कैन फील ऑन हिज फेस। अमित शर्मा ने डायरेक्ट की है मूवी। आई थिंक ट्रेलर ही जस्ट नेल्ड इट। आई थिंक वेरी इंटरटेनिंग, और पूरे 3 मिनट का जो ट्रेलर है उसको मैं देखता रहूँ, हंसता रहूँ कम्प्लीटली, नॉन स्टॉप लाफ राइट सही है। तो आयुष्मान खुराना आई थिंक इज पिकिंग वेरी वेरी गुड सब्जेक्ट्स। इज नॉट लुकिंग फॉर लार्जर देन लाइफ और एनी थिंग। सो जो नॉर्मल लाइफ में आपके कैरेक्टर हैं, जो जिन लोगों से आप मिलते हो या फैमिली पर्सन होते हैं या आपके रिश्तेदार होते हैं, आई थिंक उस टाइप के ये कैरेक्टर्स पिक करते हैं। आई थिंक एंड ब्रिलियंटली आई थिंक एग्जीक्यूट भी करते हैं। सो ही इज़ अ गुड एक्टर, बिकमिंग अ गुड एक्टर डे बाई डे। डेफिनेटली आई थिंक मस्ट वॉच मूवी है, इसमें कोई दो राय नहीं।
And I hope this movie will work, and I'm sure this movie will work because your situation is medali. It's quite hilarious himself. ये हम लोगों का भी एशियन आई थिंक थोड़ा सा डायलेमा है कि अगर इस तरह की सिचुएशन में कोई पड़ जाए फैमिली या कुछ है तो बस उसकी बैंड बजा देते हैं, वी डोंट एक्सेप्ट एट ऑल. हालांकि इसमें कोई मजायका नहीं है, मगर या हम लोगों की मैंटालिटी है कि जो कल्चर इस तरह का है उसको एक्सेप्ट करने में हम लोगों को थोड़ी मुश्किल होती है. तो उस सिचुएशन को इन लोगों ने कॉमेडी में किस तरह डाला है, आई थिंक अमित शर्मा को मैं 10 out of 10 देता हूँ. ब्रिलियंटली एग्जीक्यूटेड. आई विल लव टू वॉच मूवी. आई थिंक 19 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही, तो डेफिनेटली आई विल वॉच दिस मूवी. सो अब तक के लिए इतना ही. आप मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और ट्रेलर कैसा लगा. I'm still laughing and smiling as well. So must watch movie. Video ko like kijiye, mere channel ko subscribe kijiye. Bell